जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि आज के लेक्चर में हम लोग एक्साइज कांस्टेबल 2024 के बारे में बात करेंगे और स्पेशली रनिंग को लेकर बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड पिछले ही दिन जेएसएससी ने नोटिस जारी किया और जेएसएससी ने बताया कि जो रनिंग का डेट है फ्रेंड जेएसएससी ने दे रखा है, कब होगा तो 20 अगस्त 2024 से जेएसएससी रनिंग लेने के लिए तैयार है। तो आप अपना आई होप कि आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर में जेएसएससी ने बता रखा था, तो थोड़ा सा तो जेएसएससी पे भरोसा बच्चों का उठ गया है, लेकिन जेएसएससी ने बता रखा था तो एज ए स्टूडेंट आपको तैयारी करना चाहिए था। आई होप कि बहुत से बच्चे कर रहे हैं, मैं बहुत से बच्चों से बात करता हूं तो बताते हैं कि भाई जो सर मेरा रनिंग है वो अच्छे से मैं रनिंग का तैयारी कर रखा हूं। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशली रनिंग के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं और क्या खाना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, कैसे शूज पहन के दौड़ना चाहिए, सारे मुद्दों पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और इसके अलावा बता दूं कि मेरे पास 10 किलोमीटर का जो दौड़ होता है, 1 घंटा में जो दौड़ना होता है, उसको लेकर मेरे पास सफलता और असफलता दोनों कहानी है। क्योंकि मैं जब कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, झारखंड कांस्टेबल का एग्जाम दिया था 2016-17 में आया था वैकेंसी, उस दौरान मैं फिजिकल में कांस्टेबल का फिजिकल में पीटी मेंस में पास हुआ, उसके बाद फिजिकल हुआ था। पहले तो क्या होता था, पीटी होता था, मेंस होता था और देन फिजिकल होता था, अभी लेकिन चेंज हो गया, अभी पहले फिजिकल हो रहा। तो पीटी मेंस पास होकर मैं कांस्टेबल का रनिंग करने गया था, खूंटी में मेरा रनिंग हुआ था और वहां पे मैं दुर्भाग्यवश से जो 10 किलोमीटर का दौड़ था उसे मैं 60 मिनट में पूरा नहीं कर पाया था, 1 मिनट एक्स्ट्रा लग गया था। तो वो कौन सी गलतियां मैं कर रखा था पहले जिसके वजह से मैं उसमें असफल रहा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावे बाद में जब सब इंस्पेक्टर का दौड़ हुआ फ्रेंड्स, तो वहां पे मैं दौड़ 49 मिनट में ही पूरा कर लिया था, मतलब मैंने 11 मिनट बचा लिए थे। तो वहां पे मैं क्या अपने स्ट्रेटजी में सुधार किया, इन सब चीजों को आज मैं एक एक करके आपसे साझा करूंगा। उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन है उसे हम लोग फटाफट देख लेते हैं और फिर हम लोग आते हैं फाइनली रनिंग में कुछ किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उसे बताऊंगा, ठीक है। और आई होप कि मेरे मैं जो भी बताऊंगा उसको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि मैं उसे एग्जीक्यूट कर रखा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी यह आपके लिए भी यह फ्रूटफुल होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से एवरी संडे को स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे क्या होता है, फ्री मॉक टेस्ट होता है। तो जो भी नियरेस्ट एग्जाम होते हैं उनको लेकर बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट आपको निशुल्क दिया जाता है। यहाँ पे सारे बच्चे जुड़ते हैं, इस टेस्ट को देखकर आप अपना ग्लोबल रैंक, बहुत से बच्चों के बीच में अपना ग्लोबल रैंक देख सकते हैं। टेस्ट से जुड़ने के लिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्पूर्जे स्टडी फॉर गोल्स, जहां पे 17.4 के बच्चे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे लिंक शेयर किया जाता है। देखिए पिछले वीक जो 4 अगस्त को टेस्ट हुआ था जेएसएससी सीजल को लेकर, उसका यहाँ पे शेयर किया गया, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। बाकी आप सबको पता है कि आज की इस वीडियो में हम लोग रनिंग स्ट्रेटजी देखेंगे, उससे पहले जेएसएससी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया फ्रेंड्स, उस नोटिस में जेएसएससी ने बताया कि 20 अगस्त 2024 से जेएसएससी जो है वह 7 चयन पर्षद के माध्यम से क्या है कर रही है। तो एग्जाम रनिंग का जो एग्जाम है, एग्जाम ही कहेंगे, तो फिजिकल टेस्ट आप ले रही है, जहां पे आप जाके फिजिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और आप बिना फिजिकल पास हुए एग्जाम नहीं दे सकते। तो भाई जो आपका तैयारी हो सकता है एग्जाम में, तैयारी आप अच्छे से कर रखे हैं, लेकिन अगर आप फिजिकल पास ही नहीं होंगे तो उस तैयारी का क्या मतलब। तो पहले जो फिजिकल है उस पर ध्यान दिया जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो पहला चयन पर्षद है फ्रेंड्स वो रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरवा रांची है। यहाँ पे देखिए दे रखा है रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम टू और टोटल, और एक दिन में 2000, 6000, 6000 इस तरह के बच्चों को दौड़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से आई होप कि आप देख लिए होंगे, इसका पीडीएफ मैं शेयर करूंगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा किस तिथि को, मतलब डे दे रखा है। मान लीजिए 20 को शुरू करता है तो डे 1, डे 2, डे 3 करके इस तरह से 13 दिनों में क्या होगा, यह जो दौड़ है संपन्न होगा, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। अब दिखा रहे फ्रेंड्स स्मार्ट सिटी धुरवा रांची, तो जो स्मार्ट सिटी धुरवा रांची है यहाँ पे अभी ये इस सेंटर को देख के तो यह प्रतीत हो रहा है कि आपको हो सकता है सड़क पे दौड़ा है, क्योंकि इस बार बच्चे ज्यादा है, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज है, पहले क्या है, पहले दौड़ी है तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए उम्मीद है कि सड़क पे दौड़ा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। इस संदर्भ में मैं एक बहुत जल्द कंफर्म करके 1-2 दिनों में आपको लेक्चर दे दूंगा कि जो दौड़ होगा वो सर्कुलर पाथ पे दौड़ाया जाएगा या फिर रोड पे सड़क पे दौड़ाया जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन के लिए हम लोग अलग अलग तरह से तैयारी करके रखना होगा, तो इसमें मैं एक स्पेशल लेक्चर आपके लिए ले आऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसी तरह से और भी 7 चयन पर्षद है, उसमें से एक चयन पर्षद 2 रांची झारखंड जगुआ टिंडरग्राम रातू रांची है। तो यहाँ पे मैं 1 महीने का ट्रेनिंग भी किया हूं, तो यहाँ पे भी जो दौड़ है वो क्या होता है, रोड पे दौड़ाया जाता है, ठीक है। एक बड़ा सा ग्राउंड है वहां पे दौड़ाया जाता है। तो आई होप कि इस संदर्भ में बनाऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। चलिए तो यह दूसरा है, इसी तरह से फ्रेंड्स तीसरा है गिरिडीह और पांचवा है पलामू, चूंकि मैं आगे पीछे लगा दिया हूं। चौथा है हजारीबाग में जो JAPTC जहां पे पुलिस डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग वगैरह होता है वह है, यहाँ पे भी सड़क पे ही दौड़ाया जाता है, कोई वैसा मैदान है नहीं।
और बाकी इसमें हम लोग बताएंगे आपको डिटेल। लेकिन अभी आप इस इन सेंटर्स को देख के यही प्रतीत होता है फ्रेंड्स, जो आपका जो दौड़ होने वाला है वो आपको क्या होगा, रोड वगैरह पे ही दौड़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा है, सर्कुलर पाथ पे एक बार में उतने बच्चों को दौड़ाना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यह था नोटिस। नोटिस में लास्ट में बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के संबंध में तिथि वार कार्यक्रम की विवरणी एवं प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक आयोग के वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीक के लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, तो यही था नोटिस, क्योंकि नोटिस देखना जरूरी था। और अब आते हैं हम लोग, तो मतलब ये तो मैं कई बार बता रखा हूँ, फिर भी जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दे रहा हूँ कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है फ्रेंड्स, वहां पे जो पुरुषों के लिए होता है 10 किलोमीटर का दौड़ जो होता है, 10 किलोमीटर का दौड़ होता है पुरुषों के लिए, उसे 10 किलोमीटर रनिंग 60 मिनट में आपको पूरे करने होते हैं लड़कों के लिए। ठीक है, इसके अलावे सीना चेस्ट भी नापा जाता है फ्रेंड्स, तो अनारक्षित BC1 BC2 के लिए जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर है, और SC ST के लिए जो सीना है यानी चेस्ट जो है फ्रेंड्स, वह 79 सेंटीमीटर है लड़कों के लिए, लड़कों के लिए। ठीक है, अब हाइट जो है वो BC1 अनारक्षित BC1 BC2 के लिए हाइट कितना है 160 सेंटीमीटर, इसके अलावा SC ST के लिए कितना है फ्रेंड्स, तो 155 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप कि इन सब चीजों से आप रूबरू होंगे। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का जो दौड़ है फ्रेंड्स, वह 40 मिनट में पूरा करना है। तो यह अगर प्रैक्टिस किया जाए, अभी एक सवाल तो यह उठता है कि मान लीजिए आज आप लेक्चर देख रहे हैं, 20 तारीख से दौड़ है, आपके पास 15 दिन है, तो क्या इज इट पॉसिबल 15 दिन में दौड़ पूरा किया जा सकता है, कोई अगर चाहे तो 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो इस पे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और लड़कियों का हाइट मांगा है 148 सेंटीमीटर, सारी लड़कियां कोई भी कैटेगरी की है उनके लिए सीना नॉट रिक्वायर्ड, लड़कियों का सीना नहीं नापा जाता। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आई होप आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार सोचा कि आपको रूबरू करवा दूं। अब फ्रेंड्स, मेनली मैं यह वीडियो इसलिए बना रखा हूं क्योंकि मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है रनिंग को लेके। कई बार क्या होता है कि आप अचानक से अभी डेट देखें और कल ही मैदान में पहुंच गए हैं और अचानक से तेजी से दौड़ ली और पता चला पहले ही दिन मैदान पहुंच के इंजर्ड होके और घर बैठे हुए हैं। तो ये काम आप ना करें, ये गलती आप ना दोहराएं, इसलिए मैं यह लेक्चर बनाया हूं। तो दौड़ प्रैक्टिस के दौरान ध्यान रखने वाले खास बातों को हम लोग एक एक करके यहां पे देखेंगे। तो कुछ बातें मैं जनरली इसमें नहीं लिखा हूं, लेकिन कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले तो एक आप अच्छा रनिंग शूज खरीद लें, क्योंकि कई बार क्या होता है शूज ही आप ऐसे खरीद लेते हैं जिसमें अनकंफर्टेबल होते हैं। मैं जब दौड़ता था तो सेगा का एक शूज आता था, कई बच्चे गोल्ड स्टार वगैरह का भी यूज करते हैं, तो वो देख लीजिए जो आपको कंफर्टेबल है, जो आपके बजट में है। अगर आप रांची वगैरह में रहते हैं तो अपर बाजार वगैरह में आपको सेगा का शूज 400-500 में आपको इजिली 450 में इजिली मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप मैं प्रेफर करूंगा सेगा का शूज जो है रनिंग के लिए बहुत अच्छा है, वो कंफर्टेबल है, आप उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो शूज तो पहले देख लीजिएगा जो आपको कंफर्टेबल लगे उसी में दौड़िए, और अचानक से शूज बदलना भी नहीं है। अगर एक बार जिस शूज से दौड़ना शुरू किए तो कोशिश कीजिए, उसी में क्या होता है पैर बैठ जाता है, तो वो भी फायदा करता है। ठीक है, और लंबे समय से अगर सोल वगैरह घिसा हुआ है तो यही नहीं कि उसी को घिसते रहना, उसको चेंज करना। ठीक है, तो सबसे पहला बात जो है रनिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी काम है कि भाई आपको अगर अर्ली मॉर्निंग दौड़ना है तो उससे पहले आपको अच्छे से सोना होगा, क्योंकि जब आप अच्छे से नहीं सोएंगे, जब तक आप पूरे एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तब तक आप मैदान में जाएंगे तो आपको, चूंकि रनिंग एक टफ काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि पढ़ना ठीक है घर में पढ़ते हैं, पढ़ना थोड़ा वो मेंटल प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है फिजिकल प्रेशर होता है, फिजिकल एफर्ट लगाना होता है आपको, इसलिए जो दौड़ना है वो आसान काम नहीं है। तो दौड़ने से पहले क्या होना चाहिए, आपके पास आपके बॉडी में आपके अंदर फुल एनर्जी होना चाहिए। तो फुल एनर्जी कहां से आएगा, तो उसके लिए पर्याप्त नींद, मतलब कल आपको दौड़ने जाना है तो आज आपको क्या करना है, कम से कम 7 घंटे आपको 7+, उससे कम नहीं चलेगा, 6-6.5 वाला काम नहीं चलेगा, आपको 7 घंटे कम से कम सोना होगा, तब जाकर आप अपना बेस्ट दे पाएंगे दौड़ में। तो पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स आपको नोट करने वाला वह क्या है, दौड़ प्रैक्टिस करने से पूर्व आप कम से कम 7+ घंटे का अच्छी नींद जरूर लें। 7 घंटे का नींद लेंगे तभी जाकर आपको इसका असर ग्राउंड में दिखेगा। तो दूसरा क्या है, आप पहला देख लिए अच्छे से आप सो लिए, उसके बाद सुबह जब मॉर्निंग होता है तो जैसे आपका मॉर्निंग होता है वैसे क्या करना है फ्रेंड्स, तो दिनचर्या का शुरुआत ही करना है गुनगुना पानी से, और गुनगुना पानी यही नहीं छोटा वाला गिलास से पीना है। तो कोशिश किया जाए कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठे तो 1 से 1.5 लीटर पानी आप पिए। देखिए मैं जनरली मैं भी बड़ा वाला गिलास रखता हूं, बड़ा वाला गिलास आप भी रखिए दौड़ने के दौरान, क्या होगा कि मतलब दो ही गिलास पिएंगे तो लगेगा 1.5 लीटर पानी आप पी लिए, क्योंकि आप जब दौड़ेंगे तो आपकी बॉडी से पसीना के रूप में शरीर का जो पानी वो बाहर आएगा। वैसे कंडीशन में शरीर को क्या करना है, हाइड्रेट रखने के लिए क्या करना है, आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। तो जैसे सुबह हो वैसे क्या करना है कि 1 से 1.5 लीटर पानी आपको पीना है,
और ये गुनगुना पानी में इसलिए पीने के लिए बोल रहा ताकि आपका जो नित्य क्रिया, कई लोग 9 बजे 10 बजे उठते होंगे, 9 बजे 10 का पूरा सुबह सारा नित्य क्रिया का आदत होगा 9-10 बजे, तो वैसे कंडीशन में अचानक आप 6 बजे उठेंगे तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है, तो इसलिए गुनगुना पानी पियेंगे तो जो नित्य क्रिया वाला काम है वह अच्छे से हो जाएगा। तो इसका असर आपको मैदान में दिखेगा, जब आप जाएंगे अच्छे से तो आपको दौड़ने में मतलब सहज महसूस होगा, ठीक है। दूसरा ध्यान देना है कि ध्यान रहे दौड़ शुरू करने से आधा घंटा पूर्व जब पानी पिए। अब क्या होगा, पता चला अभी पानी पिए 1.5 गिलास और तुरंत दौड़ना शुरू कर दिए, तो वैसे कंडीशन में पेट दर्द वगैरह वाला इश्यू हो जाएगा, आपको समस्या हो जाएगा। कोशिश किया जाए जैसे आप रनिंग, मान लीजिए आप 6:30 बजे रनिंग शुरू करने वाले हैं, तो कोशिश किया जाए कि जो 1.5 लीटर पानी है वह 6 बजे ही आप पी लें, बाकी 1-2 घूंट पीने से कोई इश्यू नहीं है, आप पी सकते, ठीक है। चलिए, तो यह एक पॉइंट है जो आपको एकदम से गांठ बांध लेना है, क्या दौड़ने से पहले कि ये काम करना है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, जब मैं दौड़ता था तो क्या करते थे हम लोग कि कई बार क्या होता है सुबह सुबह भी थोड़ा इंस्टेंट एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो वैसे कंडीशन में ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो काजू किशमिश वगैरह या फिर जो आलमंड्स वगैरह है वो हम लोग पॉकेट में रखते थे, और जब हम लोग मैं कुकर में रहता था तो वहां से जब खेलगांव जाता था दौड़ने के लिए तो रास्ते में क्या होता था कि वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते रहते थे, तो इससे क्या होता था कि दौड़ने से 15-20 मिनट पहले ही हमारा ड्राई फ्रूट्स खत्म हो जाता था और हमारी बॉडी को एक इंस्टेंट एनर्जी के रूप में वो ड्राई फ्रूट्स मिल जाते थे, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, जो सड़क के बजाय मैदान में दौड़े, दूसरा जो पॉइंट है सड़क के बजाय मैदान में दौड़े, तो जो मेरे समय में सर्कमस्टांसेस थे उसके लिए तो यह परफेक्ट था कि सड़क के जगह मैदान में दौड़े, क्योंकि उस समय क्या होता था पीटी होता था, मेंस होता था, और जो दौड़ होते थे वो सर्कुलर मैदान में होते थे, तो वहां पे क्या होता था कि आपको चूंकि मैदान में दौड़ा जा रहा है तो मैदान में प्रैक्टिस अच्छा होता है। लेकिन अभी मैं जैसा सेंटर देख रहा हूं और जैसा लोगों का पॉपुलेशन है उससे लगता है कि जो दौड़ होगा वह फ्रेंड सड़क पे हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में इसमें हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि मैदान में दौड़ने पे क्या है और सड़क पे दौड़ने पे क्या इशू हो सकता है वह। लेकिन फिलहाल अगर आप बिगिनर्स हैं तो कोशिश कीजिए कि कहां पे दौड़ा जाए, मैदान में ही आप दौड़िए, बाद में धीरे धीरे आप जब एडजस्ट हो जाएगा मतलब आप पूरी तरह से मतलब ढल जाएंगे रनिंग वाले मतलब पोजिशन में, तो वैसे उसके बाद आप रोड पे सड़क पे दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर बिगिनर है कोशिश कीजिए मैदान में दौड़े, क्यों, क्योंकि आप अचानक सड़क जो होता है उसका सरफेस हार्ड होता है, मैदान में क्या होता है मिट्टी होता है तो उससे सरफेस कोमल होता है, तो ऐसा कंडीशन में क्या फायदा होता है कि आपके नी वगैरह में अचानक से पेन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा अगर आप बिगिनर हैं, और अगर आप परफेक्ट पहले से 10-10 किलोमीटर आप बहुत अच्छे से दौड़ लेते हैं तो वैसे कंडीशन में आप सड़क पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि पुराना दौड़ बेकार ना जाए, सड़क पे प्रैक्टिस करने में नुकसान नहीं होना चाहिए, इंजुरी नहीं होना चाहिए, ताकि चूंकि तुरंत 10-15 दिन बाद दौड़ है तो अगर कुछ समस्या हो जाएगा तो उसे रिकवर होने में 1-2 सप्ताह लग जाएगा, तो वैसे कंडीशन में नुकसान हो जाएगा, और ये नुकसान मुझे हुआ था इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। दौड़ अब क्या है अगला पॉइंट कि दौड़ते समय स्टॉप वॉच रखें, तो सबके लिए संभव नहीं है कि सब दौड़ते वक्त स्टॉप वॉच रखें। मैं हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग दौड़ते थे तो मोबाइल ले जाते थे, वहां पे 60 मिनट का स्टॉप वॉच लगा देते थे और कहीं एक जगह रख देते थे। अब क्या होता था जब दौड़ते थे तो दौड़ने के क्रम में हम लोग को महसूस होता था, मान लीजिए 400 मीटर का ट्रैक है तो 25 राउंड दौड़ना है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता था देखते थे कि 30 मिनट में पहले हम लोग 25-26 तक पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे, तो वो काम भी आप कर सकते हैं, साइड में मोबाइल रखिए वहां पे स्टॉप वॉच लगा रखिए, फटाक से 10 सेकंड लगेगा जाके देख लीजिए कि पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, कोशिश किया जाए कि जो पहला हाफ है वह आपका 25-26 मिनट में हो जाए, बाकी जो आधा भाग है सेकेंड हाफ वो उसके लिए 30-35 मिनट बचा के रखिए, तो इससे क्या होगा कि अगर आप थोड़ा थकेंगे भी थोड़ा स्लो भी होंगे तो वैसे कंडीशन में आप टाइम पे 10 किलोमीटर दौड़ लेंगे, ठीक है। तो यह पॉइंट हो गया, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला है फ्रेंड्स, अचानक 10 किलोमीटर ना दौड़े, धीरे धीरे 1-1 या 2-2 किलोमीटर बढ़ाएं, ये बिल्कुल सही है। अगर आप बिगिनर हैं, आप तुरंत ही कुछ दिन पहले स्टार्ट किए हैं तो अचानक से 10 किलोमीटर दौड़ेंगे तो मैं बता रहा हूं मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप अचानक 10 किलोमीटर दौड़ेंगे तो पता चलेगा अगले दिन बेड पे होंगे, ठीक है। कोशिश किया जाए कि धीरे धीरे बढ़ाया जाए, जब पहला दिन अगर मान लीजिए कोई यह वीडियो देख के कल से दौड़ शुरू करने वाला है तो आपको पहला दिन नहीं दौड़ना है, मैदान में जाना है मजे से, एकदम पूरा मैदान को टहलना है, एकदम थोड़ा सा तेज टहलने की कोशिश करना है, मजे से टहलना, जब तक आप थक न जाए तब तक आप टहलते रहिए। अगले दिन क्या करना है कि 1-2 किलोमीटर दौड़ना है, अब हड़बड़ा नहीं जाना है कि सर 20 ही दिन बचा है तो 20 दिन में कैसे, अरे भाई 20 दिन के चक्कर में पहले दिन इंजर्ड हो जाएगा तो और जो 18 दिन है वह भी बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर क्या है कि पहला दिन 1-2 किलोमीटर दौड़िएगा, फिर 500 मीटर बढ़ाइएगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा छूट दे रहा हूं कि आप 1 किलोमीटर बढ़ा सकते हैं, 2 किलोमीटर, अगला दिन 3 किलोमीटर, अगला दिन 4 किलोमीटर, अगला दिन 5 किलोमीटर, मतलब भाई एग्जाम आते आते अगर आप बिगिनर हैं तो परफेक्ट हो जाना। बाकी झारखंड के बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी 10 दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो दौड़ेंगे तो 10 किलोमीटर आसानी से दौड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और एथलीट हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको तो इश्यू ही नहीं है, ठीक है। ये वे वैसे बच्चे के लिए जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। मैं कई बच्चों को देखा हूं, दरोगा वाले एग्जाम में ही मैं देखा था कि पीटी पास हुए, मेंस पास हुए और जाके वो रनिंग में छट गए, तो भाई दुख होता है ना,
ये दुख है, बहुत दुख है कि आप पीटी मेंस पास होते हैं और जाके रनिंग में छट जाते हैं, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप बहुत से बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जो, मतलब बहुत से हमारे मित्र होंगे जो सब इंस्पेक्टर वगैरह में छट गए होंगे, तो उनको दुख क्या होता है वो समझते होंगे। वो पछतावा से अच्छा है कि पहले ही तैयारी अच्छे से करके जाया जाए, पर यहाँ पे तो पहले ही दौड़ है। चलिए एक और सूचना है कि चूंकि देखिए दौड़ हो जाएगा उसके बाद एग्जाम भी होगा, तो एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी फॉर गोल्स आपके लिए दो बेहतरीन पुस्तक ला रखा है। पेपर टू खोटा के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट जरूर से ले लीजिएगा, झारखंड के किसी भी बुक स्टोर पे अवेलेबल है। ये कुरियर चार्ज की वजह से ही आया, बुक स्टोर पे आपको बहुत कमी प्राइस पे या आपको मिल जाएगा, ठीक है, खोटा के लिए। उसके अलावे जो पेपर थ्री होता है एक्साइज कांस्टेबल का, वहां पे झारखंड जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 50 प्रश्नों में झारखंड करंट अफेयर का भी रोल होता है। तो वैसे कंडीशन के लिए हमारा झारखंड करंट अफेयर की पुस्तक, जो कि आपको मतलब इसको बहुत झारखंड में पसंद किया गया है, क्योंकि मैं इसमें वही चीज डाला गया जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में जो बुक आया था जो जुलाई के फर्स्ट वीक में, वहां पे कुछ आंसर की वाला इशू था, तो उसे हमने बाद में जो अभी जो मार्केट में बुक है उसमें आंसर की हम लोग सुधार रखे हैं। और अभी जो यह बुक अगर आप मार्केट में जाके लेंगे तो यहाँ पे आपको 21 जुलाई 2024 में जो सहायक आचार्य वगैरह में प्रश्न पूछे गए हैं वहां तक के प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। बाकी इस बुक में मंथ वाइज कुछ 10-15 पेजेस हैं, अगर आप सिर्फ उसे पढ़ लेंगे, सिर्फ उतना पढ़ लेंगे, तो आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप इन दोनों पुस्तकों को जाकर नियरेस्ट बुक स्टोर पे आप जरूर से देखिए, जाइए पलट के देखिए, फिर जाके आपको इसको अपने बुक लिस्ट में शामिल करना है, ठीक है। अगला पॉइंट है फ्रेंड, दौड़ने से पहले वार्म अप जरूर करें। देखिए क्या होता है कि आप प्रैक्टिस कर लिए पहला दिन दूसरा दिन, जो मैं पीछे वाला काम बताया वह कर लिए, तो आप जब दौड़ना शुरू करेंगे, मान लीजिए जिस दिन आप आज तय किए कि आज मुझे 3-4 किलोमीटर दौड़ना है, तो उस दिन भी क्या करना है, पहले वार्म अप करना है। ऐसा नहीं गए मैदान में एकदम दौड़ लगा दिए एकदम अचानक, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, मांसपेशियां वगैरह खींच जाएगा, फिर पता चलेगा कि लंगड़ा लंगड़ा के घूम रहे हैं, दौड़ का काम हो नहीं रहा। तो उसके लिए क्या करना है, पहले जाना है मैदान में, तो जो बेसिक एक्सरसाइज होते हैं, स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज होते हैं, आपको मैं स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ये सब आप कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका मांसपेशी वगैरह है, जो रात भर सोने से क्या होगा कि मतलब थोड़ा कोढ़िया हो गया होगा, वह क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये काम कर लेना। अब आप मान लीजिए इन वार्म अप वगैरह नहीं करना चाहते, ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना चाहते, तो वैसे कंडीशन में क्या कीजिए कि जिस मैदान में आप दौड़ने वाले हैं उस मैदान को ही एक बार थोड़ा सा मतलब हल्के कदम से एक दो राउंड मार लेना, उसके बाद फिर थोड़ा देर एक मिनट रुक के रनिंग शुरू कर देना, ठीक है, स्टॉपवॉच लगा के रनिंग शुरू कर देना, इस बात को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट किस पे हम लोग को ध्यान रखना है। अगला है कि अगर 10+ डेज की प्रैक्टिस आपने कर रखी है, अगर आपने 10+ डेज की प्रैक्टिस कर रखी है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अल्टरनेट डेज आपको 10 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। अब समय को थोड़ा सा अगर आप दौड़ लेते हैं बहुत अच्छी बात है, 55-56 मिनट में दौड़ लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समय में मार कर जा रहे थे, वैसे कंडीशन में कोशिश कीजिए कि 10 किलोमीटर टारगेट को पूरा किया जाए, मतलब 10 किलोमीटर दौड़ा जाए। कैसे दौड़ा जाए, अगर समय ज्यादा लग रहा है 62-63 मिनट लग रहा है, तो उसे इग्नोर करते हुए दौड़ा जाए, ठीक है, उसको लेके परेशान नहीं रहना है, कोशिश करना है कि अगले दिन मैं उसे पाट दूंगा, अगले दिन उसे मैं कर लूंगा। तो कोशिश क्या किया जाए, 10 किलोमीटर जो टारगेट है उसे पूरा किया जाए। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो हर अल्टरनेट डे डेली 10 किलोमीटर दौड़ेंगे तो भी समस्या हो सकता है। एक दिन 10 किलोमीटर दौड़िए, अगले दिन 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़िए, और फिर अल्टरनेट डेज पे 10-10 किलोमीटर दौड़िए, ताकि बॉडी जो है वो रिकवर हो सके, बॉडी को एनर्जी मिल सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, दौड़ के तुरंत बाद पानी या खाना, पानी ना पिए और खाना ना खाए। कई बार क्या होता है कि दौड़ेंगे ना तो दौड़ने के बाद लगेगा, तुरंत जैसे रुकेंगे लगे कहां पानी हम पी लें, क्योंकि मैं दौड़ता था तो एक फील करता था, ऐसे कंडीशन में तुरंत ना दौड़ खत्म होने के बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा जब दौड़ खत्म होता है तो थोड़ा सा धीरे धीरे वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद कहीं छाया देख के बैठिए, और 15-20 मिनट बाद क्या, हम लोग जब जाते थे तो इलेक्ट्रोल पाउडर ले जाते थे, उसको पानी में डाल के जब 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद पीते थे ना, लगता था दुनिया में इससे ज्यादा सुकून किसी काम में नहीं मिल सकता था, इतना मजा आता था वो पानी पीने में, इलेक्ट्रोल पाउडर वाला या फिर ग्लूकोंडी वाला की पूछ, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आप अगर दौड़ेंगे या दौड़ते होंगे तो आप यह अनुभव करते होंगे, क्या कम से कम आधा घंटा बाद आप पानी पिए, केला वगैरह ले जाए खाएं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले जाए वह खाएं, या फिर डब पानी नारियल पानी वगैरह उसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, क्या है, दौड़ प्रैक्टिस के दौरान जो एक और खास बात है, दौड़ के 30 मिनट या एक आर बाद नारियल पानी, जूस, ग्लूकोंडी, अंकुरित चना और चना और गुड़ ले सकते हैं। देखिए चना और गुड़ तो भाई खाना ही है खाना है, क्योंकि चना गुड़ आपको बहुत एनर्जी प्रदान करता है, आपका जो श्वसन मतलब सांस लेने वाला इश्यू है उसको क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है, और इसके अलावा बॉडी को एनर्जी भी देने का काम करता है चना और गुड़, ठीक है।
तो अब भाई मैं क्या करता था, देखो एक चना गुड़ खाना भी ना अपने आप में चैलेंज है, 2-3 कोर खा लेंगे हो जाएगा, लेकिन आपको एक कटोरा कोई दे देगा चना गुड़ खाने के लिए तो आप थोड़ा सा, मैं तो नहीं खा पाता था, तो मैं उसका उपाय खोज रखा था कि मैं फोन लगा लेता था मम्मी को या किसी को फोन लगा लेता था और फोन पे बात करते रहता था, वो इस दौरान मैं चना गुड़ खाते रहता था तो मैं पूरा खा जाता था। और इसको मैं अपने मतलब 2 महीना तक मैं इसे प्रॉपर तरीके से फॉलो किया हूं, एक दिन भी ऐसा नहीं था जब चना और गुड़ नहीं खाता था। उसके अलावे और भी ये छोटे छोटे दाने हैं, ये क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं विराज, ये क्या है, अरे मैं भूल रहा हूं, मूंग, हाँ ये मूंग है ना, मूंग, मूंग हो गया, चना हो गया, इन सब चीजों को, बादाम हो गया, इन सब चीजों को डाल के तुम ड्राई फ्रूट्स बना लेना है, रात को सोने से पहले डाल देना है, फूल जाएगा सुबह, आराम से खाइएगा, अंकुरित हो जाएगा, मजा भी आएगा, लेकिन ये काम करना है तब जाकर आपको बॉडी को एनर्जी मिलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि दौड़े और बीमार हो जाए, ये काम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो नारियल पानी होता है फ्रेंड्स, वह भी आपको बॉडी को मतलब पानी का कमी नहीं होने देता है या मतलब एनर्जी देता है, और यह माना जाता है कि जो धावक वगैरह हैं उन्हें नारियल पानी पीना चाहिए या फ्रूटफुल है। क्या फायदे हैं मत हम लोग इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये फायदेमंद है, आपको देखना चाहिए, बाकी गूगल कर लीजिएगा नारियल पानी पीने से क्या फायदे, धावक को क्यों नारियल पानी पीना चाहिए, तो भाई यह एनर्जी का अच्छा सोर्स है और पानी का जो कमी होता है बॉडी में उसे पूरा करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोल पाउडर मस्ट, इसको ले लीजिएगा रनिंग जैसे खत्म होगा 15-20 मिनट बाद इसे पानी में डाल के पीजिएगा, बहुत मजा आने वाला, और यह आपको एनर्जी देगा, आपके शरीर में पानी का कमी है उसे यह क्या करेगा, दूर करेगा, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकॉन डी भी आप इसको ले सकते हैं, लेके रखिए, ये सब चीजें आपको मदद करने वाला है, ठीक है। चलिए आई होप कि ये समझ में आ गया, अब चलिए आगे देखते हैं। अगर आप रेगुलर दौड़ रहे हैं तो अपने आहार में दूध और केला को जरूर शामिल कीजिए, इससे क्या होगा कि आप एनर्जेटिक बने रहेंगे और आपका जो स्टेमिना है वह काफी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर का दौड़ना मतलब स्प्रिंट नहीं लगाना है आपको, मतलब 10 किलोमीटर का दौड़ना केवल स्टेमिना का खेल है। अगर आप मैदान में बने रहेंगे, आपको चौके छक्के नहीं लगाना है, खाली आपको हॉट नहीं होना है, मतलब दौड़ते रहना, अगर आप दौड़ते रहेंगे तो 10 किलोमीटर पार जाएंगे, इजिली पार जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं खुद ये किया हूं, मैं खुद फिजिकली खूब स्ट्रांग नहीं था, मतलब मैं धावक नहीं था, मैं पढ़ाई वगैरह पे ध्यान देता था बहुत बचपन में, क्रिकेट वगैरह 10 वर्ष पहले खेलता था, 12वां तक खेलता था, बाद में तो वो सब भी छूट गया था। तो ऐसा नहीं कि मतलब एक नॉर्मल बच्चा भी रनिंग मतलब आसानी से कर सकता है, ठीक है। चलिए अब है, दौड़ने के क्रम में पानी ना पिए और मतलब ना खाएं, क्योंकि जब आप दौड़ रहे होते तो आपको देखिएगा जैसे दौड़िएगा ना तो गला वगैरह सूखेगा, तो वैसे कंडीशन में पानी, ऐसा नहीं आदत लगाइएगा पानी तो हर राउंड एक राउंड मारिएगा फिर पानी पीना पड़ेगा, तो कोशिश किया जाए कि दौड़ने के क्रम में पानी ना पिए। और अगर खूब गला सूखता है तो 1-2 घोट, मैं हम लोग जब दौड़ते थे तो जो ट्रैक होता था उसी के किनारे जो बोतल होता था उसे रखते थे, तो अगर खूब सूखने लगता था गला तो तुरंत पानी उठाते एकदम बर्दाश्त करके 1 घोट, क्योंकि उस समय आपको लगेगा कि पूरा बोतल पी जाए, लेकिन वो काम नहीं करना है, बर्दाश्त करना है, केवल 1-2 घोट पी के फिर अपना जो दौड़ है उसे आगे पूरा करना है। इसके अलावा जबरदस्ती नहीं दौड़ना है, मतलब जब लगे कि मैं थक जा रहा हूं, मतलब प्रैक्टिस के दौरान मैं बात कर रहा हूं, वो जबरदस्ती सिर्फ 1 दिन दौड़ना है, किस दिन, फाइनल में, लेकिन उस दिन भी इतना जबरदस्ती नहीं कि वो आपको नुकसानदायक साबित हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे पिछले बार दौड़ में कुछ घटनाएं घटी थी जिसमें मतलब आपके लाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, अगर आप मान लीजिए सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते तो फिर मौका मिलेगा, फिर आप कुछ बेहतर कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप नहीं सक रहे हैं, आपका शरीर जवाब दे रहा है, तो वैसे कंडीशन में जबरदस्ती नहीं दौड़ना है, ठीक है। इसका सही उपाय है कि प्रैक्टिस कर लीजिए ज्यादा, क्या करना है, मान लीजिए पहला दिन 4 किलोमीटर दौड़े, 4 किलोमीटर में अपना शरीर जवाब देने लगे भाई मैं इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, होगा ही नियम से, तो कोशिश करना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा करूं, लेकिन एकदम से नहीं हो रहा है तो छोड़ देना है, अगले दिन फिर उसे बढ़ाने का कोशिश करना, और उम्मीद का मैं बताता भरोसा दिलाता हूं अगले दिन आप बढ़ा भी लीजिएगा, ठीक है। 1 दिन खाली बेस्ट देना है, किस दिन, वह है फाइनल में, और हो ही जाता है, क्योंकि वहां पे जो लोग दौड़ करवाते हैं वो लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं जब मेरा दुमका में दरोगा का दौड़ था तो वहां पे एक चेस्ट नंबर बोलकर जो वहां पे पुलिस वाले थे वो मतलब बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे, तो वो सब चीजें की वजह से क्या होगा, 1-2 मिनट आपका एक्स्ट्रा मतलब बढ़ मतलब कम 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 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी पॉइंट समझ में आ गया, और कुछ पॉइंट नहीं है, हाँ ये था पॉइंट। अब मैं बताता हूं थोड़ा सा, मैं बोला कि वीडियो के लास्ट में बताऊं, देखिए जब मैं कांस्टेबल का दौड़ का प्रैक्टिस कर रहा था तो क्या हुआ था कि अचानक से मेंस का रिजल्ट आ गया, कांस्टेबल मेंस का रिजल्ट आ गया और दौड़ आ गया, तो मैं जोश में एकदम उठा अगले दिन जाके एकदम स्टार गोल्ड और सेगा का शूज लिया और अगले दिन चला गया मैं रांची में, एक मैदान है ना वो मतलब रांची मैदान है जो रांची कॉलेज के
पीछे साइड है, ठीक है। तो उस मैदान में गया तो वहां पे बहुत से बच्चे लोग पहले से दौड़ते रहते हैं, मॉर्निंग में आप जाइएगा 5 बजे तो बहुत से लोग दौड़ते रहते हैं। वहां पे मैं गया अपने दोस्त के साथ, तो वहां पे देखा बहुत से बच्चे पहले से दौड़ रहे थे, तो उनके साथ मैं दौड़ने लगा। और मैं ये गलती कर दिया, मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये बहुत दिनों से दौड़ रहे। उनके साथ पहला दिन मैं तेजी से दौड़ दिया और पहला दिन ही क्या हुआ, मेरे घुटना में हेवी दर्द हो गया, क्योंकि पहला दिन जोश था तो मैं अचानक बहुत मतलब तेजी से दौड़ गया, इसकी वजह से घुटना में दर्द हो गया। तो उस दिन क्या करना चाहिए था मुझे, मैं आज जो बताया वो काम आपको करना था। पहला दिन मुझे दौड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे वार्म अप करना चाहिए था, पूरा मैदान चलना चाहिए था, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते तो वह पैर में दर्द नहीं रहता। अब जो चूंकि जो दौड़ था उसके 1 महीना 15-20 दिन पहले ही से मैं दौड़ स्टार्ट किया, और वो जो पैर का दर्द था फ्रेंड्स वो मतलब दौड़ होने तक गया ही नहीं, मतलब घुटना का जो दर्द था वो लगता था ठीक हो गया, लेकिन जैसे दौड़ते थे थोड़ा ज्यादा तो वो जो दर्द था वो गया ही नहीं। जब कोटे में दौड़ हुआ तो वहां पे मैं और मेरे मित्र हैं कमलेश सर, अभी भी स्टडी फॉर गोल्स पे ही क्लासेस लेते हैं, तो मेरा और कमलेश जी का दौड़ था कहाँ पे, कोटे में। तो हम लोग जब दौड़ वहां पे गए तो पहला नंबर तो एक और समस्या वहां पे विपरीत सर्कमस्टांसेस यह हुआ कि मुराबादी में जब मैं प्रैक्टिस करता था तो अर्ली 5 AM 6 AM में मैं जाता था, तो वहां पे धूप वगैरह नहीं होता था, तो प्रैक्टिस करते थे तो वहां पे मतलब 55-56 मिनट में मैं दौड़ लेता था। लेकिन जब जो दौड़ हुआ हमारा खूंटी में वो उस समय मुझे 1 बजे दौड़ा दिया गया, तो 1 बजे का कभी प्रैक्टिस नहीं था, तो यह भी एक नेगेटिव हो गया। उसके अलावा मैं वॉलिनी लेके पैकेट में दौड़ रहा था, जहां जहां चूंकि वहां पे जो ग्राउंड था ना वो मतलब वर्गाकार था, चरकुट था, जिसकी वजह से जो टर्निंग था, जब टर्निंग होना पड़ता था तो पैर में जो घुटना में दर्द था वो काफी तेजी से होता था। तो मैं वॉलिनी वगैरह मार के दौड़ा वहां पे, लेकिन कोशिश मैं अपना बेस्ट किया, लेकिन जो मेरा समय था वो 60 मिनट कुछ सेकंड लगा, मतलब मुझे लगता है 200-300 मीटर में था तब वो मतलब मुझे लगा कि मेरे जो टाइम है वो पूरे हो गए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके वहां पे चला गया। बाद में पता चला कि मैं रनिंग में छट गया, ठीक है। तो मैं यहां पे गलती क्या किया, पहला गलती मैं अभी जो आपको बताया कि पहला ही दिन गया और जो पहले से दौड़ रहे थे उनका बराबरी करने का कोशिश किया, पहले ही दिन दौड़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मांसपेशियां खींच गया और वह जो दर्द उठ गया वो आपको 1-2 सप्ताह में कंप्लीट दर्द ठीक नहीं होगा। तो वैसे कंडीशन में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं दोहराना। जब मैं घुटी की दौड़ में छट गया, उसके कुछ दिन बाद सब इंस्पेक्टर का बहाली आया और मैं यहाँ पे भी पीटी और मेंस पास हुआ और रनिंग में चला गया। लेकिन यहाँ पे जो अपना तैयारी था उसे मैं और जबरदस्त किया। इस बार मैं दौड़ मोराबादी में ना करके जो यहाँ पे 1-2 बार तो मैं डोरंडा वाले ग्राउंड में गया वहां पे, लेकिन वो दूर पड़ जाता था जिसकी वजह से बाद में वहां जाना छोड़ दिया। उसके बाद खेलगांव में जब जाने लगा एक बात और कीजिए कि अपने जैसे ही दोस्तों के साथ ना दौड़िए और जो थोड़ा और अच्छे हैं उनके साथ दौड़िए। तो जब साथ में कुछ लोग दौड़ते हैं ना तो एक मोटिवेशन मिलता है, जो गिव अप करने वाला चीज है ना आप गिव अप नहीं करते हैं। तो जब साथ में एक जैसे दोस्त लोग दौड़ेंगे तो एक दूसरे को क्या करना, मोटिवेट करना, नहीं भाई सक जाएंगे दौड़ो दौड़ो, तो इसका भी फायदा आपको मिलता है और यही फायदा मुझे यहाँ पे खेलगांव में मिला। इसके अलावा मैं सुधार क्या किया कि कई बार मैं ना दिन में मतलब ज्यादातर समय मॉर्निंग में भी दौड़ता था, जिस दिन मॉर्निंग में दौड़ा उस दिन में नहीं दौड़ता था, लेकिन कई बार क्या करता था मैं 11 बजे 12 बजे 1 बजे बेटाइम जाके दौड़ता था। तो इसका फायदा क्या हुआ कि मैं एडवर्स केसेस के लिए भी प्रैक्टिस करके रखा था। और इस बार जब मेरा सब इंस्पेक्टर वाला दौड़ हुआ तो देखिए वो कहते हैं कि मतलब ऊपर वाला भी आप मतलब कुछ अच्छा ही करता आपके लिए। जब इस बार जब मैं 10-11 बजे प्रैक्टिस करके रखा था, जब वहां पे दौड़ हुआ दुमका में, तो वहां पे मुझे 5-5:30 बजे ही दौड़ा दिया गया। तो मेरे पास जो सर्कमस्टांसेस थे वो पॉजिटिव हो गया। तो एडवर्स के लिए तैयार रहना है, मतलब अभी कोशिश ही करना है धूप में दौड़ने का। अगर सुबह दौड़ा दिया तो बहुत अच्छा बात, अगर दिन में दौड़ा है तो ठीक है उसी समय दौड़ेंगे, प्रैक्टिस से दौड़ जाएंगे। तो वहां पे मैं मॉर्निंग में दौड़ा और मैं अपना जो 25 राउंड था वह मतलब 49 मिनट में पूरा कर लिया। बाद में मैं दौड़ते रह गया, अब जाके मेरा 29 राउंड पूरा हुआ था 60 मिनट पर, ठीक है। क्योंकि वहां पे आप रुकेंगे तो जो लोग दौड़ा रहे होते हैं बोलेंगे नहीं नहीं रुको मत, दौड़ते रहो, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आपका जो 25 राउंड है वो पूरा हो गया। चीप वाला सिस्टम था और मैं आसानी से वहां पे दौड़ पास हो गया और अभी एज ए सब इंस्पेक्टर मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में आपके साथ साझा कर दिया कि सारा खेलना तैयारी का है, आप जितना अच्छे से तैयारी करेंगे उतना ही आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो कन्फर्म होता चला जाएगा। इसके अलावे बहुत सी चीजें मुझे जितना लगा कि आपको बताना चाहिए वो मैं आपसे साझा कर दिया। और अगर कुछ इन सब के अलावे रनिंग को लेकर आपका कुछ और डाउट है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम आईडी मेरा @_RanjitKumar है, तो आप यहां से इस इंस्टाग्राम आईडी से लिंक भी मैं इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां पे आप टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डॉट है रनिंग को लेके आप बेहचक पूछिए, मैं जब भी फ्री रहूंगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। तो आई होप कि जितना चीजें मैं इस वीडियो में लिख रखा था, मुझे जितना मैं बताने का प्लान करके आया था मैं आपको बता दिया। इसके अलावा आपको मैं यह भी बता दूं कि झारखंड जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां पे
एक्साइज कांस्टेबल में, तो उन 50 प्रश्नों को इजीली हिट करने का एक उपाय है हमारा झारखंड सामान्य ज्ञान का पुस्तक, जहां पे 50 प्रैक्टिस सेट है, यहां पे 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, 10 आप करंट अफेयर मान के रखिए, करंट अफेयर पुस्तक से हो जाएगा। तो यहां पे जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, इवन 10 जून को जो सीडीपीओ का एग्जाम हुआ है उसका भी पेपर हम लोग यहां पे डाल रखे हैं, और ये सीडीपीओ पेपर डाल रखे हैं, और जेपीएससी वगैरह है, जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है वन लाइनर के रूप में आपको दिया गया। आप जाइए इस पुस्तक को पलटिए, देखिए आपको खुद ही समझ में आएगा कि बहुत ही फ्रूटफुल पुस्तक है। इसके अलावा जैसे ही हर प्रैक्टिस सेट के बाद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है वो यहां पे डाला गया, चाहे वो बजट हो, चाहे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, हर चीज को सम्मिलित किया गया है। कोटा सीजीएल के लिए आप देख लीजिएगा, इसको बताने का जरूरत नहीं, आप इससे परिचित हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर तो जरूर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से क्या होगा, बहुत मतलब आप अपडेट रहेंगे तो अगर करंट अफेयर क्या होता है, यहीं पे बच्चों का कुछ मार्क्स छूट जाता है, तो करंट अफेयर इजीली आप देख लीजिएगा। पतली सी पुस्तक हम लोग पहले से ही जो मतलब चीजों को ना निचोड़ ही सिर्फ आप तक प्रस्तुत करते हैं, कुछ भी नहीं, 112 पेजेस का ये बुक है जो कि इजीली आप लाइब्रेरी में बैठेंगे तो दो दिन में पढ़ लेंगे। इसके अलावा मैं आपका कमेंट बॉक्स में आप चीजें लिखिए, मैं आपका कमेंट बॉक्स पढ़ूंगा, और मुझे जरूरत पड़ेगा कि इसके आगे इसमें और भी वीडियो जोड़ा जाए फिजिकल को लेके, तो मैं तुरंत हर दिन, क्योंकि फिजिकल बनाने में मुझे, क्योंकि कंटेंट बनाता हूं तो उसमें समय देना पड़ता है, चीजों को ढूंढना होता है, पीपीटी तैयार करना होता है, तो समय लगता है, लेकिन इसमें मैं कमेंट बॉक्स आपका देखूंगा, आपके अगर कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे क्वेरी है तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो किसी प्रकार का डॉट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके अकॉर्डिंग मैं अगर लगेगा कि कमेंट बॉक्स में आंसर किया जा सकता है तो मैं बता दूंगा, और लगेगा कि वीडियो का जरूरत है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर भी बना दूंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश किया अपने स्तर से अपने एक्सपीरियंस को साझा करने का, बाकी कोई भी परफेक्ट नहीं है, आपको अगर कोई सजेशन लगे तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मतलब अच्छे फ्रूटफुल कंटेंट डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूं फिर इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर के साथ या फिर करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और मैं जिन बातों को बताया उन्हें ध्यान में रखते हुए अच्छे से दौड़िए, और दौड़ने के क्रम में अच्छे से खान पान पे ध्यान देना है, मेंटली फ्री रहना है, अच्छा नींद लेना है, और फाइनली दौड़ में सेलेक्ट होके एग्जाम का तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चलिए तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।